नमस्कार, सीबीएसई इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास सेवेंथ के लिए हिस्ट्री का चैप्टर वन, और आज है तीसरा दिन। तो थर्ड डे पर आज हम लोग स्टडी करेंगे न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में स्टडी करेंगे। किस तरह से इस 1000 ईयर मतलब 700 से ले करके 700 से ले करके 1750 लगभग 1000 सालों के बीच में किस तरह के नए नए सोशल ग्रुप्स पैदा हुए और नए नए पॉलिटिकल ग्रुप्स बने, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से चेंज हो रहा था, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो 1000 साल का जो टाइम पीरियड होता है, एक लंबा टाइम पीरियड होता है, और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इसमें जो चेंजेज हैं उसको बता पाना। लेकिन फिर भी जो चेंजेज हुए 700 से लेकर के 1750 तक, उसके बारे में एक एक चेंजेज को लेकर के हम डिस्कस करते हैं। तो बहुत स्केल का मतलब होता है बड़े पैमाने पर परिवर्तन होना। इस 1000 साल में बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ सोसाइटी में और पॉलिटिकल ग्रुप्स में, समाज में, दोनों में चेंजेज परिवर्तन हुए और वैरायटी मतलब तरह तरह के चेंजेज हुए। तो कौन कौन से चेंजेज हुए? देखिए, नई नई टेक्नोलॉजी आई, तकनीक का आविष्कार हुआ। जैसे ह्यूमन नीड्स बढ़ती जाती है ना, जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, हमारी ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं, उसी हिसाब से नए नए इन्वेंशन और तकनीक का आविष्कार होता चला जाता है। तो इस पीरियड में तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। क्या क्या चेंजेज आए? नई नई टेक्नोलॉजी कौन कौन सी डेवलप हुई? जैसे पर्शियन व्हील इन इरीगेशन, खास करके सिंचाई के क्षेत्र में जो पर्शियन व्हील है, एक पहिया लगा करके और उसमें डब्बे लगा करके कुएं से पानी निकालने का जो सिस्टम है वो चला, वो एक यूनिक चीज़ थी, क्योंकि उसे बैल चारों ओर लेके घूमते थे और उस व्हील से पानी निकालने का कुएं से काम चलता था। तो ये एक मतलब बहुत बड़ा, मतलब खेतों की सिंचाई के बारे में अगर देखें तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन था, चेंजेस था, या नई टेक्नोलॉजी थी। दूसरा, स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, वीविंग मतलब बुनाई के क्षेत्र में, कपड़ा बुनने के क्षेत्र में या कपड़े बनाने के क्षेत्र में जो स्पिनिंग व्हील है, मतलब स्पिन करने वाला, कपड़ा बनाने वाला जो स्पिनर अगर मिलेगा चित्र तो मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगा। स्पिनिंग जो व्हील होता है उसके आने से कपड़ा बनाना बहुत आसान हो गया। और आपको विश्वास नहीं होगा कि बाद में तो चल करके मीन्स एक ही व्यक्ति जो है कई कई स्पिन चला सकता था, और मोटर इंजन आने के बाद तो वो इंजन मोटर ही उसी स्पिन को चलाने लगा था। तो ऐसे तमाम तरह के चेंजेज आते हैं। इसके अलावा फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब युद्ध, युद्ध के क्षेत्र में जो आग का यूज होने लगा, फायर आर्म्स मतलब ऐसे हथियार आए जिससे आग निकलती थी, या गोला बारूद आया, या उससे पहले फायर आर्म्स आए जिसमें से आग लगा दी जाती थी, पूरे युद्ध क्षेत्र में भगदड़ मच जाती थी। तो इस तरह के आविष्कार होने से भी बहुत चेंजेज आया, परिवर्तन आया। अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये पीरियड एक ऐसा टाइम है कि इस पीरियड में बहुत सारे लोग विदेशों से, दूसरे देशों से अपॉर्चुनिटी के लिए या धन को लूटने के लिए दूसरे देशों से भारत आए, या आक्रमण करने के उद्देश्य से आए और लूटपाट करने के उद्देश्य से आए, लेकिन उनके साथ बहुत सारी चीज़ें मीन्स उनकी आइडियाज़, उनकी टेक्नोलॉजी, उनके साथ तमाम तरह की वस्तुएं, क्रॉप्स, फसलें, ये सारी चीज़ें भी भारत आई। तो कौन कौन सी सारी चीज़ें आई? फूड, न्यू फूड्स एंड बीवरेज, मतलब जो पीने के पदार्थ होते हैं उसे बीवरेज कहते हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी। तो ये भी बाहर से, मतलब उसी पीरियड में जो फॉरेनर यूरोपियन कंट्रीज से जो लोग आए उनके साथ टी या कॉफ़ी भी आया।
पोटैटोज मतलब आलू भी बाहर से आया, अरबियन कंट्रीज से आया, कॉर्न, चिलीज, टी, कॉफ़ी, ऐसी ढेर सारी लंबी लिस्ट है जो फूड क्रॉप आज हम यूज करते हैं, खाते हैं, वो सारी चीज़ें भारत की अपनी बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं जो अरबियन कंट्रीज से, ईरान से, इराक से, मंगोलिया से, साइबेरिया से या यूरोप से वो सारी चीज़ें भारत पहुंची, उसकी खेती होने लगी, लोगों ने जाना उसके बारे में और उसका यूज होने लग गया। टेक्नोलॉजी एंड क्रॉप्स मतलब तकनीकी और फसलें दोनों ये लोगों के साथ बाहर से भारत में आए, मतलब लोग भी आए और उनके साथ टेक्निक भी आई और नई नई फसलें भी भारत में आई, और इस पीरियड को कहा जाता है इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल एंड कल्चरल चेंज। मतलब इस हजार सालों में आर्थिक रूप से बहुत सारा परिवर्तन होगा, राजनीतिक रूप से ढेर सारा परिवर्तन होगा, सामाजिक रूप से ढेर सारा परिवर्तन होगा और कल्चरल चेंज देखने को मिला। कल्चरल मतलब लोगों का कल्चर भी बदल गया, लोगों के रिलीजन चेंज हो गए, धर्म बदल गए, तो ऐसा भी देखने को मिला। ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। आने जाने के साधन बहुत सीमित थे, घोड़े से, खच्चर से, पैदल, हाथी, इस तरह लोग जो है या पैदल चल करके या ये जानवरों के पे लद करके लोग आते थे और ग्रुप में चलते थे लोग, तो नई नई अपॉर्चुनिटी के लिए। जैसे अभी भारत में बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए लोग गुजरात चले जाते हैं, चंडीगढ़ चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं, केरला चले जाते हैं, लेह लद्दाख चले जाते हैं, वो तो छोड़िए, दुनिया में लोग घूम रहे हैं, अमेरिका में पड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें भारत से ज़्यादा सैलरी अमेरिका में मिल रही, यूरोप में काम कर रहे हैं। इसको कहते हैं बेहतर अपॉर्चुनिटी या गुड अपॉर्चुनिटी के लिए लोग देश भी छोड़ देते हैं। तो आज नहीं, ये सदियों से ऐसा होता चला रहा है कि अपॉर्चुनिटी के लिए ग्रुप ऑफ पीपल दे लेफ्ट दियर होम्स दियर कंट्रीज, लोगों ने अपना देश भी छोड़ दिया, अपना होम टाउन छोड़ दिया जो उन्हें बेहतर भविष्य के लिए इम्पॉर्टेंट। इसी दौरान एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप सामने आया जिन्हें कहा गया राजपूत। राजपूत का मतलब होता है राजपुत्र। राजपुत्र का मतलब क्या है? द सन ऑफ रूलर, शासक का पुत्र, राजा का पुत्र। और यही इन्होंने अपने को क्षत्रियाज या क्षत्रिय जाति में बदल दिया क्योंकि ये स्पेशली वॉरियर थे। आगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रुप ऑफ वॉरियर इन्हें कहा गया और यह 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी, 8th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी के बीच में ये ग्रुप एक बहुत बड़े योद्धा वाले ग्रुप में या रूलर के रूप में या चीफटेन के रूप में या कमांडर के रूप में डेवलप हुआ क्योंकि इनके पास पावर थी, शारीरिक पावर थी, शारीरिक ताकत थी, युद्ध कला आती थी, युद्ध में जीतने की रणनीति आती थी, इनकी भुजाओं में ताकत थी। तो ये एक नया ग्रुप 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में नया ग्रुप सामने आया जिन्हें क्षत्रिय कास्ट कहा गया। इन्होंने अपने को क्षत्रिय जाति कहा कि हम लोग क्षत्रिय हैं। इसमें से ये रूलर्स भी थे, शासक भी थे, चीफटेंस भी थे और सोल्जर्स भी थे और कमांडर्स भी थे। तो ये देखिए एक नया सोशल ग्रुप सामने आया। अब आगे हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में, एक्सट्रीम वैलर एंड ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी। योद्धा तो थे ही लेकिन लॉयल्टी भी इनकी बहुत ज़्यादा थी। मीन्स ये कभी युद्ध के क्षेत्र में कभी इन्होंने अपने सिर को नहीं झुकाया।
तो ये कुछ इनके स्पेशल गुण थे। अदर ग्रुप्स भी, क्योंकि राजपूत ही नहीं आए, अदर ग्रुप्स का भी डेवलपमेंट हुआ, नए नए ग्रुप्स निकल करके आए, जिसमें मराठास, मराठा में किसका नाम जानते हैं आप? शिवाजी का नाम, बिल्कुल सही। तो शिवाजी सबसे बड़े फेमस शासक थे मराठों में। सिख धर्म का उदय हुआ गुरु नानक जी के बाद, गुरु गोविंद सिंह के बाद। जाट का अलग सोशल ग्रुप सामने आया, ये भी एक वॉरियर्स के रूप में आए। अहोम्स या असम के इलाके में अहोम, ये भी एक वॉरियर के रूप में एक बड़ा पावरफुल ग्रुप सामने आया, सोशल ग्रुप। कायस्थ मतलब कायस्थ भी एक नया ग्रुप सामने आया, अ कास्ट ऑफ स्क्राइब्स एंड सिक्रेटरीज, जो स्क्राइब्स मतलब जो लिखने का काम करते थे, सुंदर हैंड राइटिंग में लिखते थे या सेक्रेटरी का काम करते थे, ये एक नया जातिगत ग्रुप के रूप में से उदय हुआ कह सकते हैं इनका। तो देखिए, यही एक समय था कि जो जैसा कार्य कर रहा था वो उसी जाति में सेट हो गया, और ये समय के साथ बदलता भी रहा, समय के साथ चेंज होता रहा। कोई ज़रूरी नहीं कि जाति फिक्स थी, जाति बदल भी जाती थी, उसके बारे में हम आगे डिटेल बात करेंगे। तो ये सारे एक पॉलिटिकली बहुत इम्पॉर्टेंट थे, पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट मतलब राजपूत, मराठास, जाट, अहोम, कायस्थास, ये सब राजनीतिक रूप से इनकी बड़ी वैल्यू थी और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट थे। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसी हजार सालों के बीच में ही, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती गई, जनसंख्या बढ़ती गई, तो लोगों ने जंगलों को साफ करना भी शुरू कर दिया। जंगल कटने लगे, जंगल साफ होने लगे और खेती का दायरा बढ़ता चला गया। इससे क्या समस्या हुई? जो फॉरेस्ट ड्वेलर थे, जो जंगली जीवन व्यतीत करते थे, उन्हें अपना घर बार छोड़ के भागना पड़ा, उनको अपना व्यवसाय चेंज करना पड़ा, क्योंकि जंगल रहे नहीं, जंगल कटने लग गए थे, जंगल खेतों में कन्वर्ट होने लगे थे, तो उनकी आजीविका भी चली गई और उनको दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। फॉरेस्ट ड्वेलर्स माइग्रेटेड, जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे वो कहीं कहीं माइग्रेट हो गए। इसके अलावा लोगों ने जंगलों को साफ करके खेतों में बदल दिया, उसे खेत की जुताई करके बड़ी बड़ी रूट्स निकाल करके, पेड़ों को काट करके, झाड़ियों को काट करके, और अब लोग किसान बन गए, फार्मर बन गए, लोग वहीं पे बस गए, खेती करने लग गए। तो इससे क्या हुआ? एक ये भी एक पीजेंट्स का नया ग्रुप सामने आया, जिसका काम था खेती करना, अनाज उगाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप सामने आया। न्यू पीजेंट्स ग्रुप इन्फ्लुएंस्ड बाय द रीजनल मार्केट, ये जो नया पीजेंट का ग्रुप आया, क्योंकि जब सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा तो मार्केट में बिकने लगा, फूड ग्रेन्स बिकने लगे, वेजिटेबल्स बिकने लगी, या जंगलों में जो चीज़ें पैदा होती थी लोग कलेक्ट करके उसे मार्केट्स में बेचने लगे, तो मार्केट भी डेवलप होने लगा। मार्केट आज की तरह के मार्केट नहीं थे उस समय, वो साप्ताहिक बाजार टाइप के मार्केट थे, और वो राजा की देख रेख में या लोकल चीफटेन की देख रेख में उनके जो पैलेसेज होते थे वो आस पास लगते थे, उनकी सिक्योरिटीज भी होती थी, उनसे टैक्स भी लिया जाता था जो छोटे मोटे व्यापारी होते थे। तो इससे क्या हुआ? एक मार्केट भी डेवलप हुआ। चीफटेंस, जब किसानों का ग्रुप आया तो उनका नेता भी निकल करके सामने आया कि उन किसानों को कौन कंट्रोल करेगा। किसानों को कंट्रोल करने के लिए उनका एक
मुखिया भी बन गया जिसे चीफटेन कहा गया, जो किसानों का नेता हो गया। अब नेता तो नहीं कह सकते, मुखिया हो गया किसानों का। और रिलीजियस ग्रुप बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा था, तो एक पुजारियों का भी ग्रुप आने लगा सामने। लोकल टेंपल बनने लग गए, वहाँ पे पुजारियों की संख्या बढ़ने लग गई, उनका भी महत्व बढ़ता चला गया। मोनास्ट्रीज डेवलप होने लग गए, बनने लग गए। बौद्ध धर्म के जो मंदिर होता है वो मोनास्ट्री कहा जाता है। भगवान बुद्ध के कहा जाता है कि वहाँ पे कोई न कोई राख या बाल या जो कुछ भी है वो पार्ट्स रखा होता है। ऐसी ऐसी मोनास्ट्री, बड़ी बड़ी मोनास्ट्रीज बनी हुई है, भारत ही नहीं दुनिया के बहुत सारे देशों में। तो मोनास्ट्रीज भी बनने लगे, जो लोग बौद्ध धर्म के मानने वाले थे उन्होंने मोनास्ट्री बनाई। टेम्पल बनने शुरू होंगे, मंदिर बनने शुरू होंगे, भक्ति का मार्ग शुरू होगा, पूजा पाठ भी शुरू हो गया। तो ये एक ऐसा ग्रुप था, मतलब किस ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, किसानों के ग्रुप की बात कर रहे हैं, किसानों के समूह के बारे में बात कर रहे हैं। दिस ग्रुप बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट इन द सोसाइटी, क्योंकि ये जो ग्रुप था ये बहुत मेहनत करता था, अनाज उगाता था और अपने लॉर्ड्स के लिए वो गुड्स और सर्विसेज भी प्रोवाइड करता था। आज भी लगभग वही कंडीशन है। आप ये सोच लीजिए कि अगर किसान अनाज उगाना बंद कर दे, तो आपके जेब में लाखों करोड़ों रुपए हैं, उसकी वैल्यू जीरो होगी। आदमी पैसा तो खाएगा नहीं, पैसे से क्या खरीद के खाता है, अनाज ही तो खाता है। तो अगर किसान अनाज पैदा करने एक साल भी बंद कर दे, ना प्रोड्यूस करे, तो क्या सिचुएशन होगी आप खुद सोच सकते हैं। खाना मिलना बंद हो जाएगा, कोई नहीं जिंदा रहेगा। इसलिए किसान की भी इज्जत करना सीखिए, इम्पोर्टेंस आपको पता होना चाहिए कि एक लेबर ग्रुप और पीजेंट्स की क्या इम्पोर्टेंस एक कंट्री की इकोनॉमी में। पीजेंट्स एक ग्रुप तो था ही, जिसके पास जमीन थी खेती करने लग गया, नहीं जमीन थी तो दूसरे के खेतों पे खेती करने लग गया। वो भी मौका नहीं मिला तो लोगों ने पशुओं को पालना शुरू कर दिया, कैटल हर्डर बन गया, ढेर सारे पशु पशु पालने लग गए और उसका मीट मांस दूध जो कुछ भी निकलता था वो सब बेचने लग गए, उससे आजीविका चलने लग गई। कुछ आर्टिसंस बन गए, कुछ लोग अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बना लेते हैं, कुछ लोग हैंडक्राफ्ट बड़ा अच्छा बनाते हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग चीज़ें फेमस हैं, तो इससे भी उनकी आजीविका चलने लग गई। पीपल वर ग्रुप्ड इन जातीज, इसी तरह से जो जैसा काम करने लगा उसको उसी जाति में रख दिया गया। जाति का मतलब होता है रैंक, मतलब सोसाइटी में एक आपकी क्या रैंक है वो जाति से समझ में आता है। सब कास्ट, जातीज और सब कास्ट बना दिया गया और रैंक ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, जो जैसा कार्य कर रहा था उसको उसी जाति में रख दिया गया। ये छठी क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, ब्राह्मणाज, क्षत्रियाज, वैश्याज और शूद्राज। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस तरह से ये जाति रैंक के आधार पर बनेगी। रैंक्स वैरिड अकॉर्डिंग टू द पावर। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि ये जो जाति है, जो रैंक है, ये बदल भी रही थी, चेंज भी हो रही थी। मतलब जिस जाति के पास ज़्यादा पावर, पावर मतलब समाज में जिसका ग्रुप ज़्यादा मजबूत, शक्तिशाली, पावरफुल, पैसे वाला जो ग्रुप हो गया, वो ग्रुप जो है उसकी रैंक ऊपर हो जाती थी।
और जिस जात के पास पैसा नहीं था, गरीबी आ गई, वो जो जाति है वो नीचे के रैंक में आ जाती थी। तो ऐसा भी देखने को मिला, मतलब पावर एंड रिसोर्सेज कंट्रोल, उस जात के पास कितना संसाधन है, रिसोर्सेज कितना है, वो कितने पावरफुल हैं, कितने यूनाइट हैं वो जातियाँ, उसी के हिसाब से वो रैंक भी उनकी बदल जाती थी। जातियों के आप जानते हो समय अपने रूल रेगुलेशन होते थे, हर जाति के अपने रूल रेगुलेशन बने होते थे, और उस रूल रेगुलेशन को फॉलो करना हर जाति के मेंबर को जरूरी था, आवश्यक था कि वो अपनी जाति के बनाए हुए रूल रेगुलेशन का पालन करे। नहीं पालन करता था तो उसके लिए क्या होती थी, जाति पंचायत होती थी। अगर किसी ने जात के बनाए नियमों और कानूनों का उल्लंघन करता था तो पंचायत बैठती थी, और पंचायत में फिर फैसला सुनाया जाता था कि उस व्यक्ति के साथ क्या पनिशमेंट किया जाए। तो ऐसा अभी भी देखने को मिलता है, हरियाणा वगैरह में जाएंगे तो जाति पंचायत, बड़ी बड़ी खाप पंचायतें वहाँ पे हैं, और अगर हरियाणा के लोग देख रहे होंगे तो शायद इस चीज़ से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे कि हरियाणा में बहुत बड़ी बड़ी जात की पंचायतें हैं और बहुत पावरफुल भी हैं, मतलब शासन राज्य सरकारों को भी हिला देती हैं, केंद्र सरकार को भी हिला देती हैं, ऐसी जात पंचायतें होती हैं। आज भी उनका इम्पोर्टेंस है, और पहले कितना रहा होगा आप सोच लीजिए। तो इनके अपने रूल रेगुलेशंस होते हैं जो हर मेंबर को फॉलो करने होते हैं, नहीं करता है तो उसके लिए जाति पंचायत बैठती है और उसके फैसले को उसे मानना पड़ता है, जो भी पनिशमेंट मिलता है। पहले भी होता था और आज भी वही चीज़ होता है, मतलब ये पूरी जाति पंचायत जो है, जाति पूरी जो है, जो जातीज है वो पंचायत से रेगुलेट होती है, जो कानून बनता है, जो नियम बनते हैं उसे फॉलो करना पड़ता है, और हर जाति का अपना एक मुखिया भी होता है, जो जाति का मुखिया होता है और उसके कुछ मेंबर होते हैं पंचायत के, मिल करके वो डिसाइड करते हैं। मतलब अगर आपने जाति के कानून नियम कानून के अगेंस्ट काम किया है तो आपके खिलाफ जो है जाति पंचायत बैठेगी, जो वहाँ से आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, जो डिसीज़न दिया जाएगा आपके खिलाफ उसे आपको मानना पड़ेगा। जात से बाहर भी कर दिया जाता था, ऐसा भी होता था। तो ये सारी चीज़ें आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। ऐसे ही हम जैसे जैसे टॉपिक में आगे बढ़ेंगे आपके लिए नई नई चीज़ें लेके आते रहेंगे, नई नई चीज़ों को आपको पता चलेगा। कितना मज़ा आ रहा है, मुझे विश्वास है कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा चीज़ों को जान करके, समझ करके। और वीडियो में आप लगातार बने रहिए क्योंकि ये सारे टॉपिक एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, अगर आप एक दिन भी मिस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर जाएंगे। क्योंकि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में मज़ा भी आता है, अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो खूब मज़ा आता है इसमें। आशा है कि आपने मेरे वीडियो को, मेरी बातों को अच्छे से सुना होगा, अच्छे से समझा होगा, और नोट्स बनाने की कोशिश भी करेंगे आप, क्योंकि इन छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं इनको लिख करके याद करना बहुत ज़रूरी है, तभी चीज़ें याद रह जाती हैं। और इतिहास ऐसा है कि इसको पढ़ना पड़ता, हर हफ्ते पढ़ना पड़ता, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो याद हो गया, हमेशा याद रहेगा, नहीं, आपको फिर रिवाइज करना पड़ेगा। इस हफ्ते पढ़ा तो अगले हफ्ते तक भूल जाएंगे, हिस्ट्री ऐसी चीज़ है कि ये आज पढ़ेंगे कल को भूल जाएगी, तो इसको बार बार पढ़ना पड़ता है। मज़ा आता, इंटरेस्ट से पढ़िए, आपको खूब मज़ा आएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन भी दबा दीजिए, और कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में।
तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।